हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई टेक क्लास 9 मैथ एक्सरसाइज 6.1। क्या है चैप्टर का नाम? लाइंस एंड एंगल्स, रेखाएं और कोण। क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में? इन फिगर 6.14 यानी एक फिगर दिया हुआ है ए बी। ए बी एक लाइन है। क्या है ए बी? एक लाइन है ए बी, एंड एक उसको लाइन दूसरी इंटरसेक्ट कर रही है। कौन सी लाइन है? सी डी, यहाँ पे सी है और यहाँ पर डी है। और एक लाइन क्या आएगी? ओ बी। देन कह रहा है कि इन फिगर लाइंस ए बी एंड इन सी डी। देखो ए बी एंड सी डी एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, इंटरसेक्ट का मतलब क्या होता है कि जब दो लाइन एक दूसरे को किसी पॉइंट पे कट कर रही हो उसे हम क्या कहते हैं? इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, अच्छा अब एट ओ, कहां पे इंटरसेक्ट कर रही है? पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट। एट ओ इफ एंगल ए ओ सी, कौन सा एंगल है? ए ओ सी, एंगल ए ओ सी ये एंगल, एंड प्लस बी ओ ई, बी ओ ई, अच्छा यहाँ पे ई लिखा हुआ है, क्या है? बी ओ ई, बी ओ ई, क्या है? ये दोनों का सम 70 डिग्री है। और एंड एंगल बी ओ डी, एंगल बी ओ डी कितना आएगा? 40 डिग्री है। कहाँ बी ओ डी? बी ओ डी ये कितना दिया हुआ है? 40 डिग्री। फाइंड एंगल बी ओ ई, बी ओ ई पहले ये एंगल बताना हमें, एंड रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स मीन्स क्या होता है कि उस जितना जो एंगल का नाम सी ओ ई ले रहा है, सी ओ ई इस पूरे एंगल को छोड़ करके जो बाहर का एंगल है, बाहर का जो एंगल उसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। हमारे जो इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में हमने सारा बताया था कि रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है। एंड अब हम करते हैं इसके सोल्यूशन में। क्या पहले एंगल ए ओ सी प्लस बी ओ ई इक्वल टू कितना आएगा? तो पहले इस बात को लिख लेते हैं, एंगल ए, सिंस एंगल ए ओ ई ए ओ सी, ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल टू कितना आएगा? 70 डिग्री। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे जो दिया, देखो ए ओ सी ये वाला एंगल और बी ओ ई, बी ओ ई ये एंगल, दोनों एंगल का सम दे रखा है। अच्छा अब ये सोचो कि पहले लिखेंगे सिंस लाइंस, कौन कौन सी लाइन? लाइंस ए बी एंड सी डी, ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ, एट पॉइंट ओ, वो पर क्या कर इंटरसेक्ट कर रही है? देर को जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, ये एंगल देखो कैसी लाइन पर कर रही है, ये ऐसे जा रही लाइन, ये और ये दोनों एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाता है शीर्षक विमुख कोण। तो क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल? कितना? एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी इक्वल होगा एंगल ए ओ सी बी ओ डी के, क्यों इक्वल होगा भाई? बी ओ डी के क्या इक्वल होगा? इसे हम कहते हैं वर्टिकली, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल शीर्षक विमुख कोण। अच्छा अब एंगल बी ओ डी का कितनी है? बी ओ डी 40, यहाँ पे 40 डिग्री उतार लेंगे, और एंगल ए ओ सी हमें मालूम हो गया 40 डिग्री। अब क्या करेंगे? एंगल ए ओ सी इक्वल टू 40 डिग्री, देन क्या करेंगे हम? एंगल ए ओ सी की वैल्यू हम इक्वेशन पुट में, इक्वेशन वन में पुट कर लेंगे। तो पुटिंग इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर लेंगे। तो देखो एंगल ए ओ सी की वैल्यू कितनी आएगी? 40 डिग्री, और प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल कितना आएगा? 70 डिग्री। देन हम फाइंड करेंगे किसकी वैल्यू? एंगल बी ओ ई की वैल्यू। क्यों? क्योंकि हमें क्वेश्चन में पहले यही पूछ रहा है कि बी ओ ई करा, फाइंड एंगल बी ओ ई, देन कितना जाएगा? 70 माइनस 40 कितना जाएगा आंसर? 30 डिग्री। यानी ये एंगल हो गया हमारा बी ओ ई की वैल्यू हो गई हमारी 30 डिग्री। नाउ अगेन अब हमें बताना है रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई। तो हम पहले सी ओ ई मालूम कर लें, फिर पूरा एंगल कितने का होता है? 360। तो
तो 360 में से हम माइनस करते COE को तो हमें रिफ्लेक्स इसका मिल जाएगा। देन अब ये बताओ कि ये जो एंगल ए और बी, ये सिंस ए और बी इज लाइन, ए और बी इज ए लाइन, एक लाइन है, देखो ए और बी एक लाइन है, एक लाइन पे जितने एंगल बनेंगे सम ऑफ ऑल एंगल्स इक्वल टू 180, सम ऑफ एंगल ऑन ए लाइन, ऑन ए लाइन एक लाइन जो बने हुए सारे एंगल का सम कितना होता है, हमेशा 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो कौन कौन सा एंगल है, ए ओ सी, एंगल ए ओ सी प्लस सी ओ ई, एंगल सी ओ ई प्लस बी बी ओ ई, बी ओ ई कितना आ जाएगा 180 डिग्री। एंड देन क्या हो जाएगा, एंगल ए ओ सी, ए ओ सी की वैल्यू कितनी है, एंगल ए ओ सी, और ये देखो यहाँ पे दिया हुआ एंगल ए ओ सी एंड प्लस बी ओ ई इक्वल टू 70 डिग्री आएगा। तो हम इन दोनों को एक साथ कर लें, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई, बी ओ ई इक्वल, अच्छा इन दोनों को हमने एक साथ कर लिया, प्लस जिसका हमें मालूम कर रहा है एंगल सी ओ ई इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अच्छा अब क्या करना हमें, इसकी वैल्यू हम इसी में पुट कर लेंगे, कितना है देखो एंगल ए ओ सी और बी ओ ई इक्वल टू 70, ठीक है 70 डिग्री, एंड प्लस सी ओ ई, प्लस सी ओ ई इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ अगेन एंगल सी ओ ई इक्वल टू 180 माइनस 70 डिग्री, ये आ गया हमारा 110। अच्छा अब ये सोचो जो 110 आया है उसकी वैल्यू आई है सी ओ ई, सी ओ ई इसकी वैल्यू हमें मिल गई 110। तो हमें कह रहा है कि सी ओ ई नहीं बताना, बल्कि किसकी वैल्यू बतानी है हमें, रिफ्लेक्स, क्या बताना हमें, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सी ओ ई। तो रिफ्लेक्स का मतलब क्या होता है कि इस एंगल को छोड़ कर ये बाकी पूरा एंगल है, इसी को हम बोलते हैं रिफ्लेक्स। ठीक है, तो लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे हम, रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई इक्वल टू 360 माइनस, क्यों, क्योंकि दो पूरा एंगल कितना होता है 360 होता है, तो 360 में से नीचे वाले को माइनस कर देंगे तो जो बचेगा ये एंगल हमारा, और जो ऊपर वाला एंगल ये माइनस कर देंगे तो जो बचेगा ये हमारा रिफ्लेक्स एंगल होगा। तो 360 माइनस कितना है सी ओ ई, तो 110 आ जाएगा 0π/2, तो 250 डिग्री ये हमारा क्या हो गया, रिफ्लेक्स हो गया। ये हमें मालूम करना था रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है, एक रिफ्लेक्स एंगल मालूम करना था और एक BOE, तो हमारा BOE कितना आ गया 30 डिग्री। ठीक है, आप इसे अच्छी तरह से नोट कर लो, और अभी तक हमारे चैनल को आपने लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। थैंक यू सो मच।